गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है वूल, ऊनन, ऊन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने अपनी दो यूनिट कंप्लीट की हैं ऊन की, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वूल, ऊन, यूनिट 3, ऊन के निर्माण की प्रक्रिया। इसका जो निर्माण है वो कैसे कैसे किया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है। भारत के गांव में ऊन का निर्माण, भारत का जो गांव है उनमें ऊन का निर्माण कैसे कैसे किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वूल इन विलेज इन इंडिया, भारत के गांवों में ऊनी रेशों को हाथ द्वारा तैयार किया जाता है। जो ऊन के जो रेशे होते हैं, उनके जो फाइबर होते हैं, उनको हाथों के द्वारा तैयार किया जाता है। भारत में किसानों द्वारा यह कार्य किया जाता है, जो भारत में जो किसान होते हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। वे ऊनी तंतुओं से धागे तैयार करके उनमें वस्त्र, कंबल, दरियां आदि बनाते हैं। जो उनका धागा होता है उसको हाथों द्वारा तैयार करके उनसे क्या क्या चीज़ बनाई जाती है, कंबल, दरियां, वस्त्र आदि बनाए जाते हैं उनसे। ठंडे प्रदेशों में और असम एवं बंगाल के पहाड़ी प्रदेश में जहां बाहर है वहां ठंड रहती है, यहां पे हमारी हमेशा ही ठंड रहती है। जो हमारी पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे हमेशा ठंड रहती है, तो वहां पे ये कार्य ज़्यादा किया जाता है। वहाँ यह कार्य वर्ष भर चलता है, हमेशा ये कार्य चलता रहता है वर्षों भर। ऊनी हस्तकरघा उद्योग मुख्यतः पंजाब, कश्मीर, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में है। हाथ द्वारा ऊन का निर्माण करने हेतु सर्वप्रथम ऊन को काटा जाता है। सबसे पहले ऊन को कटाई करी जाती है, इसको कार्य करने से पहले ऊन को भेड़ों के ऊपर से उतारा जाता है, इसकी कटाई की जाती है और छांटकर श्रेणी में विभाजित किया जाता है। और उनको कटाई करने के बाद अलग अलग लच्छा बना ली जाती है, छांटा जाता है उसको और फिर इसको विभाजित कर देते हैं। इस कार्य हेतु ऊन को टेबल पर बिछाया जाता है और ऊन की परतें खोलकर उद्देश्य के अनुसार पृथक किया जाता है। इसको टेबल पर बिछाकर अलग अलग की चटाई करके अलग अलग इनको बंडल बना दिए जाते हैं। उनको छांटने के बाद ऊन को मिश्रित करके गुलाई की जाती है। गुनाई क्या होता है, उसको छांटने के बाद उनको गुनाई की जाती है। उनमें कोई बीज या कोई गंदी चीज या फिर कुछ पदार्थ मिल तो नहीं गया है, धूल मिट्टी के कण या फिर कोई, जब उसको छांटते हैं तो उसमें धूल मिट्टी या क्या बोलते हैं उसको, कीटनाशक कुछ है तो नहीं, उसकी छटाई की जाती है अलग अलग। इस हेतु धनुष के आकार के धनु की सहायता ली जाती है। गुनी हुई ऊन को तकली व चरखे की सहायता से खींचा जाता है और हल्की बटाई की जाती है। बाद में इसकी कताई की जाती है। कताई किया हुआ धागा बुनाई हेतु तैयार हो जाता है। बुनाई की क्रिया हस्तकरघे पर की जाती है। इस प्रकार वस्त्र बनाने की क्रिया की जाती है। मशीन द्वारा ऊन का निर्माण, मशीन के द्वारा ऊन का निर्माण कैसे किया जाता है। भेड़ों पर से ऊन को काटना, ऊन निर्माण से सर्वप्रथम ऊन निर्माण में सबसे प्रथम प्रक्रिया भेड़ के शरीर पर से ऊन काटना है। ऊन काटने का कार्य विभिन्न देशों में जलवायु के अनुसार अलग अलग समय पर किया जाता है। भारतवर्ष में यह कार्य बसंत ऋतु में करते हैं। भेड़ों के शरीर पर ऊन को काटने से पूर्व उनको कीटनाशक घोल से नहलाया जाता है, कीटनाशक घोल से नहलाया जाता है पहले भेड़ को, फिर उसके ऊपर से बाल उतारे जाते हैं, ऊन उतारी जाती है। पहले समय में ऊन काटने का कार्य हाथों द्वारा किया जाता था जिसमें अत्यधिक समय लगता था। अब यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। पहले क्या करते थे, हाथों द्वारा उसको नहलाते हैं, पहले उसको भेड़ को नहलाते थे, फिर उसको हाथ के द्वारा उसकी कटिंग की जाती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, अब तो मशीनों द्वारा ही सब काम किए जाते हैं। भेड़ों को मशीन के बीच में से निकाला जाता है और पूरी भेड़ पर से समस्त ऊन का एक साथ काट लिया जाते हैं। एक साथ ही कटाई होती है, मशीन के अंदर से भेड़ को निकाला जाता है तो एक बारी में ही सारी ऊन कट जाती है उसकी। तैयारी, भेड़ के शरीर से उतारी गई ऊन 6 से 18 पौंड प्रति भेड़ वजन में होती है, जिसका औसत 8 पौंड प्रति भेड़ होता है। सफाई व विक्षण की क्रिया के बाद यह ऊन करीब 3 पौंड रह जाती है, जो कि निम्न किस्म की ऊन भी बेची जाती है, इसलिए
खराब गुणवत्ता वाली ऊन को काटकर लपेटकर बांधकर करीब 225 से 350 पौंड के वजन में अलग अलग बोरों में भरकर भेज दिया जाता है। ऊन की कटाई के समय ही उनको किस्म के अनुसार अलग कर लिया जाता है। उच्च किस्म की ऊन भेड़ के साइट और कंधे से प्राप्त होती है, जहाँ यह लंबी महीन और नर्म होती है। इससे प्रथम किस्म का ऊन माना जाता है। सिर, छाती, पेट और टांगों से प्राप्त ऊन द्वितीय श्रेणी की ऊन होती है। मील में भेजना, मील में कैसे भेजा जाता है। तैयार घरेलू ऊन को ढीले बंधे हुए थैले में मील में भेजा जाता है। बाहरी प्रदेश में आई ऊन कसकर दबी हुई गांठों में आती है। प्रत्येक भेड़ से प्राप्त ऊन के विभिन्न श्रेणी होती हैं। इस कच्चे ऊन को सावधानीपूर्वक श्रेणियों में, किस्म में, उसकी लंबाई, डायमीटर और तंतु की किस्म के आधार पर विभाजित किया जाता है। कच्चा ऊन या नया कटा हुआ ऊन कहलाता है, क्योंकि उसमें भेड़ का प्राकृतिक तेल लगाया जाता है। जब इस ग्रीस ऊन को धोया जाता है तो यह 20 से 80 प्रतिशत तक अपना मौलिक वजन खो देती है। इस ग्रीस को नाक कहते हैं, इस ग्रीस को याक कहते हैं, जिससे दवाइयों व सौंदर्य प्रशासन उद्योग में लेनोनिन यौगिक बनाने में उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि यह मानव त्वचा में आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। छाटना और श्रेणीकरण। मील में ऊन पर की जाने वाली यह प्रथम प्रक्रिया है, जिसमें वास्तव में ऊन को उसकी किस्म के आधार पर विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। मील में भेजने गई ऊन को खोलकर उसके डायमीटर, लंबाई और तंतुओं की किस्म के आधार पर पृथक किया जाता है। यह कार्य सामान्यतः चपटे पत्थर की बनी टेबल पर किया जाता है, जिसका ऊपरी भाग तारों को मिलाकर बनाया जाता है, जिससे धूल और गंदगी नीचे गिर जाती हैं, गिर सकें। सभी छटाई की मेज को वहाँ स्थित किया जाता है, जहाँ उत्तम प्रकाश व्यवस्थक होती है। यदि ऊन को कुछ समय के लिए संग्रहित करके रखा है तो यह आवश्यक है कि तंतु को बाहर खींचने से पूर्व ऊष्मा द्वारा उसकी ग्रीस को नर्म कर लिया जाए। छाटने वाले व्यक्ति उनको खोलते हैं, तुरंत उनका मैला भाग हटाते हैं। यदि कोई ऊन में पेंट आदि लगा हो तो उसे भी हटाया जाता है। कुछ किस्म के महीन ऊन को कम छटाई की आवश्यकता होती है, जिसकी मोटी ऊन जो कि अधिक लंबाई की होती है, छटाई और कटाई होती है। इसके साथ साथ प्रशिक्षित कार्यकर्त अपने अनुभव व ज्ञान में कमजोर व दोषपूर्ण तंतुओं को भी अलग कर देते हैं। मशीन की क्रिया में विकास होने के कारण उनकी बहुत अधिक सूक्ष्म छटाई की आवश्यकता नहीं रहती। उनकी विभिन्न किस्मों को उनके प्रकार, लंबाई, महीनता, लोचमिता और मजबूती के आधार पर अलग किया जाता है। पूरे विश्व के बाजार में ऊन की श्रेणीकरण प्रणाली ब्रिटिश नंबर प्रणाली पर आधारित होती है, जो कि एक पौंड साफ की हुई ऊन में से कंघी की हुई या वेस्टर्न धागे की स्पिन की गई मात्रा की महीनता या डायमीटर से संबंधित होती है। सफाई कैसे की जाती है। ऊन की छटाई के बाद उसे साफ करना आवश्यक होता है, क्योंकि ऊन का तंतु बहुत मैला होता है। कच्चे ऊन में तंतु के अतिरिक्त दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्राकृतिक और बाहरी। ये हैं तंतु भेड़ों के त्वचा की दूसरी सतह में स्थित जड़ में रहते हैं। प्रत्येक तंतु रक्तस्राव वाली ग्रंथि में अच्छिन्न रहता है, जो कि ऊन के ग्रीस को स्रवित करता है, और पसीने की ग्रीस में अच्छिद्र रहता है, जो कि पसीने उत्पन्न करती है। यह दो
पदार्थ पसीने और ग्रीस मिलाकर याक कहलाता है। इसके अतिरिक्त ऊन में कई प्राकृतिक अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं जिसे साफ करना आवश्यक होता है। निष्करण, यह ऊन के तंतु को साफ करने हेतु प्रयोग में लाया जाने वाली अंतिम प्रक्रिया है। यह से तैयार होने वाली ऊन वस्त्र आगे वस्त्र निर्माण हेतु भेजा जाता है। इस विधि में अधिकांश लकड़ी या धातु के हाज या बड़े बड़े प्यालों में शार में साबुन के घोल का उपयोग किया जाता है। तंतु को धीरे धीरे अलग करके तंतु को धीरे धीरे आगे की ओर गति देने का और निष्करण घोल में डुबाने का काम डिस्क सहायता से किया जाता है। सामान्यतः तीन होज में साबुन और झाग भरा रहता है और चौथे ऊन में खगोलने के काम में लाया जाता है। मिश्रण के बाद ऊन में शीघ्र स्पोनकृत या पायस्निकृत होने वाली तेल को मिलाना आवश्यक होता है। यह ऊन में नरम बना देता है जिससे वे आसानी से एक दूसरे से जुड़ा जाते हैं। उनके कटेपन में कमी आ जाती है, उनके जो कड़ापन होता है उसमें कमी आ जाती है और टूटती नहीं है। कभी कभी ऊन के विघटन की विधि में प्रयोग में लाए जाने वाले साबुन और क्षार के प्रभाव से ऊन को बचाने हेतु घोलक विधि का उपयोग भी किया जाता है जिसमें ब्रिंजनी पेट्रोलियम नेफ्था और कार्बन टेटा कार्बोहाइड्रेट और रसायनों का उपयोग किया जाता है। इस विधि से घुलनशील बाहरी तत्व गर्म पानी में साथ निकल जाते हैं। जब इस घोल में डूबो जाते हैं तो सारे जो उसमें घुलनशील जो उसके तंतु है या कुछ उसमें रह गई गंदगी वो निकल जाती है। कार्बनीकरण, निष्करण या घोलक विधि के बाद ऊन में से वनस्पति तत्वों को अंतर के रासायनिक विधि द्वारा बाहर निकालना आवश्यक होता है, अन्यथा यह वनस्पतिक तंतु महीन टुकड़ों में टूटता जाता है किंतु निकलता नहीं है और बाद की सभी प्रक्रियाओं में बाधा डालता है। इन पदार्थों को निकालने हेतु एक यांत्रिक उपकरण होता है जिसकी सहायता से इस पदार्थों को फटक कर निकाल दिया जाता है। कार्बनीकरण में वनस्पतिक तत्वों को हटाने हेतु रासायनिक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है जो कि यांत्रिक क्रिया से उत्तम होती है। इस विधि से वनस्पतिक तत्वों का पूरा भाग लिया जाता है। वनस्पतिक तत्वों में अम्लों की सहायता से नष्ट की जाती है जैसे सल्फर या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से या क्लोराइड के लवण की सहायता द्वारा नष्ट किया जा सकते हैं जो कि उच्च तापक्रम पर नरम करने का अम्ल उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया से वनस्पतिक तत्व कार्बन यौगिक में विभक्त हो जाते हैं जिसे धूल साफ करने की क्रिया द्वारा हटा दिया जाता है। यदि अम्ल का उपयोग किया जाता है तो ऊन उदासीन हो सकती है क्योंकि क्लोराइड एक हल्का प्रतिक्रम है, अतः इसे ऊन को नष्ट होने का खराब हो जाता है और ऊन को उदासीन करने की आवश्यकता नहीं होती। सुखाना, ऊन को पूरी तरह से नहीं सुखाया जाता, सामान्यतः करीब 12-16% आर्द्रता को ऊन में रहने दिया जाता है ताकि उसके रख रखाव में आसानी रहे। तेल हटाना, उपयुक्त प्रक्रिया से गुजरने के बाद ऊन का रेशा कुछ रूखापन लिए होता है। इसको नरम और चिकना बनाने के लिए जैतून का तेल, सुअर की चर्बी या ग्लिसरीन लगाकर 2 सप्ताह तक रखा दिया जाता है। इसके प्रभाव से रेशों कोमल व चिकने हो जाते हैं। रंगना, यदि ऊन को कच्चे अवस्था में रंगना हो तो इसी अवस्था में रंगना चाहिए। इस अवस्था में ऊन का रंग उत्तम रहता है। कुछ ऊनी वस्त्रों को पीस रखना, कुछ को धागे की रंगाई लच्छों द्वारा रंगाई और कुछ को टाप रंगाई की विधि से रंगा जाता है। मिश्रित करना, इस अवस्था में ऊन की मिश्रित किया जा सकता है।
टेंगलांग में और निम्न किस्म की ऊन को उच्च श्रेणी के ऊन के साथ मिलाया जाता है। महीन व उच्च श्रेणी की ऊन में मोटे धागों को मिलाकर मजबूत और सस्ता वस्त्र बनाया जाता है। कई बार ऊन में अन्य तंतुओं को भी मिश्रित कर दिया जाता है। धुलाई, धुलाई की प्रक्रिया में ऊन को दो वर्गों में हो जाते हैं, ऊनी रेशे और बास्टेंड रेशे। इस बिंदु पर निर्माण प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि ऊन के तंतु से ऊनी वस्त्र बनाए बनता है या बास्टेंड वस्त्र बनाए जाते हैं। किलिंग और कंघी करना। वस्त्र धागा बनाने के लिए घुनी हुई ऊन पर ग्लिसरीन और कंघी करने की क्रिया की जाती है। खींचना, यह ऊन तंतुओं की पुनियों को दोहराया और पुनः दोहराया करते हैं। इस प्रक्रिया से ऊनी तंतु खींचा खींचता है, उनमें घुमाव आता है और ठन आती है, जिससे पुनियाँ अधिक घनी और पतली होती हैं। घुमाना, यह कताई से पूर्व की अंतिम प्रक्रिया, यह वास्तव में हल्की घुमाए जाने वाली प्रक्रिया है, जिसमें पतली पुनियों को आपस में बंधे रखे जाता है। कताई, कताई की प्रक्रिया में घुमे हुए ऊन को खींचकर उस पर हल्की बटाई देकर धागा तैयार किया जाता है। तने का धागा तैयार करना, कताई के बाद तैयार धागे की लंबाई इतनी पर्याप्त नहीं होती है कि करघे में तने को तने के धागे के रूप में उपयोग में लाया जा सके। ऊनी वस्त्रों की बुनाई, बुनाई प्रक्रिया से प्रति रेशेदार ऊन धागे से ऊनी वस्त्रों बने हेतु सादे बुनाई या कभी कभी ट्विल बुनाई का उपयोग किया जाता है। बास्टेंड वस्त्रों की बुनाई, बास्टेंड धागा जिस पर विशेष रूप से घुनाई व कंघी की जाती है, इन्हें महीन स्टेन वस्त्रों में बुनाई की जाती है। ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा, ऊनी वस्त्रों में कई किस्मों की परिसज्जा की जाती है, जो कि ऊनी और लिलन वस्त्रों के सामान ही होती है। भराव देना, बुनाई प्रक्रिया के बाद ऊनी और वस्टेन ग्रे वस्त्रों को गर्म साबुन के पानी में डाल दिया जाता है और घुमाव दिया जाता है, जिससे ऊनी तंतु आपस में गुज जाते हैं। इस ऊष्मा आर्द्रता और दबाव के उपयोग के बाद इसे ठंडे पानी में कंघाला जाता है। इस प्रक्रिया को भराव देना कहा जाता है। कभी कभी रसायनों का उपयोग आर्द्रता, नरमपन और दबाव की प्रक्रिया के उद्योगों के हेतु किया जाता है। भराव की क्रिया में इच्छित संकुचन हो जाता है और तंतु को अप्रकृत मोटाई प्राप्त हो जाती है और तंतु दंड व भराव वाले पोत का हो जाता है। भराव की क्रिया जितनी लंबी होती है, सुपुड़न उतना अधिक होता है और वस्त्र की मजबूती में वृद्धि होती है।